राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों के स्कूलों में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का आयोजन किया गया। भोपाल में सुभाष विद्यालय शिवाजी नगर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इसके साथ ही उनके साथ कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, मंत्री कृष्ण गौर भी उपस्थित हुई। इस अवसर पर स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री राकेश सिंह ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया और प्राणायाम किया। बात की प्रसन्नता है स्वामी विवेकानंद के इस युवा दिवस के अवसर पर हमारे वो जो विशेषता वाला समय है, हम सब जानते हैं कि आज इस इतने कठिन काल में भी अगर विवेकानंद जी के अवसर पर ये जयंती मना रहे हैं तो एक साथ हमने दोनों लक्ष्य की प्राप्ति की है। एक तरफ हमने अपने उस जिज्ञासु समाज के साथ अपनी उस भूमिका को रखने का प्रयास भी किया है जो विवेकानंद को जानना चाहता, लेकिन विवेकानंद के माध्यम से सनातन संस्कृति से भी हम परिचित कराते हैं और योग के माध्यम से भी जैसे स्वामी विवेकानंद के उस भाव को जानने के बाद हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने 21 जून को जो अपने लिए योग दिवस घोषित कराया है, इस योग के मामले में विवेकानंद ने वर्षों वर्षों पहले तक लगातार एहसास कराया था, इसलिए आज भी सारे सारे साधु संन्यासी अपने योग के माध्यम से पतंजलि ने जो अष्टांग योग का दर्शन दिया है उस अष्टांग योग की विशेषताओं के माध्यम से भी हम अपने अपार शक्ति का जो स्रोत मनुष्य का शरीर होता है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि युवा दिवस के अवसर पर सारे विद्यार्थियों के साथ मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से आपके बीच सम्मिलित हुआ हूँ।